एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद मी। आज का मेरा टॉपिक है टोटल ऐश, रेजिड्यू ऑन इग्निशन, सल्फेटेड ऐश एंड लॉस ऑफ इग्निशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज टेस्ट आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ड्रग सब्सटेंसेस एंड हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ओके, यहाँ हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म किए जाते हैं रॉ मटेरियल पर। ओके, जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है वो इंक्लूड करता है आपका एक्टिव मटेरियल या फिर जिसे आप कहते हो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या आपका जो एक्टिव ड्रग रहती है, इसके अलावा जो आपके इनएक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं या फिर आपके जिसे आप एक्सीपिएंट्स कहते हो। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये बोथ एक्सीपिएंट्स में भी परफॉर्म किए जाते हैं प्लस आपका जो एक्टिव ड्रग रहेगी उस पर भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है, इन टेस्ट का जो प्रोसीजर रहता है वो आपका एज पर आपका मोनोग्राफ रहता है या एज पर आपके रेफरेंस रहता है। ठीक है, तो इनका एक जो बेसिक फंक्शन है, ये टेस्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या इनका पर्पस है, वो ये है कि ये डिटरमाइन करता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को जो आपके ड्रग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये हेल्पफुल होते हैं ड्रग की क्वालिटी को और उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने में भी। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स है, टोटल ऐश, रेजिड्यू ऑन इग्निशन, सल्फेटेड ऐश, लॉस ऑन इग्निशन, इन टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल ऐश। टोटल ऐश जो है इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, टोटल ऐश आप जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, टोटल ऐश जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ रहेगी किसी भी कंपाउंड के अंदर, ओके, फिर वो ये सभी इम्प्योरिटीज़ को इंक्लूड करता है। ठीक है, और ये इन्वॉल्व करता है एसिड इनसॉल्यूबल ऐश एंड वाटर सॉल्यूबल ऐश। ठीक है, इसके जो फर्दर टेस्ट रहते हैं वो उस टेस्ट में आता है एसिड इनसॉल्यूबल ऐश होगी आपके वाटर सॉल्यूबल ऐश। ओके, एसिड इनसॉल्यूबल मीन्स ऐसी इम्प्योरिटी जो आपकी आपके ड्रग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होगी जो आपके एसिड में इनसॉल्यूबल होगी, और वाटर सॉल्यूबल ऐश मीन्स ऐसी इम्प्योरिटीज़ रहेगी जो आपकी वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपके टेस्ट है ये आते हैं आपके टोटल ऐश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात करें रेजिड्यू ऑन इग्निशन की, तो रेजिड्यू ऑन इग्निशन जो है वो भी यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ओके, और मैक्सिमम टाइम देखा जाए जो टोटल ऐश है, ये जो आपका टेस्ट रहता है जनरली आपके जो भी आपकी हर्बल ड्रग्स रहती है उनकी टेस्टिंग में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेटेड ऐश की। तो सल्फेटेड ऐश क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फेट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, सल्फेटेड ऐश में सिर्फ जो आपकी सल्फेट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ होती है ये उन इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करता है। और नेक्स्ट बात करें लॉस ऑन इग्निशन की, तो लॉस ऑन इग्निशन क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मेनली इन केस ऑफ मिनरल्स एंड ऑल्सो यूज इन केमिकल मेकअप ऑफ सॉइल। ओके, जो लॉस ऑन इग्निशन आपकी टर्म है ये यूज़ किया जाता है आपके मिनरल्स के केस में। ठीक है, मिनरल्स में जो भी आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रहेगी उनकी डिटेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है लॉस ऑन इग्निशन। और इसके अलावा ये क्या, ये यूज़ किया जाता है केमिकल मेकअप ऑफ सॉइल में भी। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके प्रोसीजर की, किस तरह से इनका प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप किसी भी सैंपल की ऐश लगाते हो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड होता है वो आप या तो आपको प्लैटिनम क्रूसिबल चाहिए या आपको सिलिका क्रूसिबल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो आपके वेइंग बैलेंस रहेगा और आपका आपका हॉट प्लेट भी रहता है और आपकी मफल फाइनेंस रहेगी या फिर इसके अलावा डेसिकेटर भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहता है। हीट अप सिलिका और प्लेटिनम क्रूसिबल टू रेडनेस फॉर 10 मिनट्स इन मफल फर्नेस। सबसे पहले आपके पास जो क्रूसिबल रहेगी सबसे पहले उसे हीट किया जाएगा 10 मिनट्स के लिए। ओके, उसके बाद
अलाउड टू कूल इन अ डेसिकेटर एंड वे, जब वो हीट करने के बाद उसे कूल करना है डेसिकेटर में और उसका वेट लेना है, ठीक है, जो कि आपके पास आ जाएगा क्रूसिबल का एम्प्टी वेट। उसके बाद टेक सैंपल वेट एज पर मोनोग्राफ एंड कंबाइन द क्रूसिबल प्लस सैंपल वेट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सैंपल वेट लेना है जो भी आपको मोनोग्राफ में गिवन होगा, ठीक है, और उस सैंपल वेट को क्रूसिबल में लेके दोनों का कंबाइन वेट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसे इग्नाइट जेंटली एट फर्स्ट अंटिल द सब्सटेंस इज थोरली चार्ज्ड। उसके बाद आप उसे इग्निशन के लिए रख दोगे मफल फर्नेस में। इग्निशन का मतलब क्या रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर किसी चीज़ को बर्न करना, ठीक है, किसी भी सैंपल को बर्न करना, वो आपका टर्म कहलाती है इग्निशन, ओके। और इग्निशन के केस में जो भी आपका टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मली आपका 600 टू 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अगर आप सिंपल ऐश कर रहे हो तो आप उसे वेट करने के बाद सीधा ही मफल फर्नेस में रखोगे और उसको इग्निशन के लिए छोड़ दोगे जो भी आपका टाइम दिया होगा मोनोग्राफ में उस टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। बट इन केस ऑफ सल्फेटेड ऐश, हम देखते हैं सल्फेटेड ऐश के केस में क्या प्रोसीजर दिया जाता है। जब आपने उसे हीट किया उसके बाद आप उसे क्या करोगे, कूल करोगे और जो मॉइस्चर द रेजिड्यू विद 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फेटेड ऐश के केस में आपको उसमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा, ठीक है। जब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे उसके बाद आपको उसे हीट ऑन हॉट प्लेट अंटिल द वाइट फ्यूम्स आर नो लॉन्गर इवॉल्व्ड, ओके। उसके बाद उसे हॉट प्लेट पे हीट करिएगा, जब तब तक हीट करना है जब तक आपकी जो वाइट फ्यूम्स रहेगी उसमें नो लॉन्गर इवॉल्व्ड। उसके बाद उसे इग्नाइट कीजिएगा, इग्नाइट एट 800 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल ब्लैक पार्टिकल्स हैव डिसअपीयर्ड, ओके। इग्निशन करनी है 800 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जब तक कि उसमें जो भी ब्लैक पार्टिकल्स है वो डिसअपीयर्ड ना हो जाए। उसके बाद अलाउ क्रूसिबल टू कूल, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 एंड हीट इग्नाइट एज बिफोर, ठीक है। उसके बाद उसे कूल करना है, कूल करने के बाद उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल देनी है सल्फ्यूरिक एसिड की और उसके बाद उसे हल्का सा हीट करना है, हीट करने के बाद उसे कूल करना है और कूल करने के बाद उसका उसका फिर से वेट लेना है, ठीक है। इन जनरल मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, हम क्रूसिबल लेंगे, क्रूसिबल में हम उसका एम्प्टी वेट लेंगे और उसके बाद हम उसमें सैंपल ऐड करेंगे, दोनों का कंबाइन वेट लेंगे, इग्निशन के लिए उसे मफल फर्नेस में छोड़ देंगे और आफ्टर इग्निशन हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे क्रूसिबल को और फिर उसका जो है वेट करेंगे। आफ्टर इग्निशन आपका जो है सैंपल का क्या रह जाएगा, सैंपल की सिर्फ आपकी ऐश रह जाएगी, ठीक है, और आफ्टर इग्निशन आपके पास ऐश प्लस क्रूसिबल का वेट आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला रहता है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कैलकुलेशन के लिए क्या रहेगा। जैसे कि बिफोर इग्निशन आपके पास कौन से वेट आएंगे, आपके पास एम्प्टी क्रूसिबल का वेट आएगा प्लस आप उसमें सैंपल ऐड करोगे प्लस आप उसमें उसका जो दोनों का कंबाइन वेट हो गया, ठीक है, ये आपके पास बिफोर इग्निशन ये प्रोसीजर रहेगा। और आफ्टर इग्निशन क्या करेंगे आप, आफ्टर इग्निशन आपके पास जो क्रूसिबल आएगी प्लस आपके पास क्रूसिबल के अंदर जो ऐश होगी उसका वेट होगा, ठीक है। इससे आपने फाइंड आउट करना है ऐश का वेट और जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा परसेंटेज ए ऐश इज इक्वल टू वेट ऑफ ऐश अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, ओके। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हो ऐश को, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।